नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकेंड हाफ में। करंटली निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा अराउंड 18,432 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा अराउंड 43,581 पे। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। अब ये रिकवरी कितनी आती है, अराउंड 18,450 तक यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक थोड़ी बहुत आ सकती है, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिकवरी आ चुकी है। अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो इंडेसेस फ्यूचर्स में अगर आपको ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन राइटिंग में दिख रहा है आपको 18,400 की कॉल पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर्स 18,400 की पुट राइट करना स्टार्ट किए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 18,400 ही होगा। 18,400 के नीचे हमें यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट ही प्लान करेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। 18,500 फिलहाल निकलेगा, फिलहाल ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट 18,500 आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है अगर आप शॉर्ट करते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जाहिर सी बात है अभी एक रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी पे आपको वेट करना है कि ये कितना सस्टेन करता है। ये लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 18,390 आप मान के चल सकते, 94 मान के चल सकते हो आप इसको। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये दोबारा से अराउंड 18,350 और 18,325 या फिर डे लो की तरफ आ सकता है, क्योंकि ऐसी कुछ ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है। ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि ओवर द नाइट जिन लोगों ने कल शॉर्ट किया था उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, बट इस लेवल पर आप नज़र रखो। ये है 18,390 और 95 का जो लेवल है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, हम शॉर्ट करेंगे, डे हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा जो भी बनता है, या फिर 18,450 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई 43,250 से, ये रिवर्स हुआ है। अब इसके लिए जो ऊपर लेवल है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है 43,670 का, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम यहाँ पे कुछ बाय करेंगे, अदरवाइज हमारा कोई बाइंग का कोई फिलहाल मूड नहीं है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर ये 43,500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे सेल ही करेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल और किसी को अगर परफेक्ट सेल करना है तो इस लेवल पे नज़र रखो जो कि है आपका अराउंड 43,460। इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यही है जो कि 43,670 का है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन फिलहाल ऐसी नहीं है जिस पे हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकें, फिलहाल तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं फ्लैट से ही कामकाज कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा से ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि कल का जो सेलिंग प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो हो सकता है ये दोबारा से आज भी ये नेगेटिव ही कामकाज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पर नज़र रखिए। अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे मार्केट के लिए और अच्छी बात है। तो फिलहाल हमें जो दिख रहा है वो यही है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। किसी को अगर इस लेवल पे शॉर्ट करना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस आप मान के चलिए 18,500 लगा लीजिएगा या फिर 18,450 लगा लीजिएगा। 450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, अदरवाइज हम अराउंड 18,350 या फिर 18,300 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट में बने रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए मैंने बता दिया 43,460 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।